हलवा बनाने के लिए हम लेंगे तरबूज के छिलके। अब इसका ग्रीन वाला पोर्शन निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सभी का हरा छिलका निकाल लिया है। अब करेंगे इसके छोटे छोटे पीसेस। पीसेस में काटने के बाद अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए इतना बारीकी से पीसना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफी पानी है, तो इस पानी को सुखाने के लिए मैं यूज करूंगी सूजी और बेसन। एक पैन को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी। अब इन्हें भून लेते हैं। मैंने जो तरबूज के छिलके लिए थे उस तरबूज का वेट 3 से 3.5 किलो का था, तो उस हिसाब से मैंने 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच बेसन डाला है। आप अपने तरबूज के वेट के हिसाब से सूजी और बेसन एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए घी निकल आया है, इसका मतलब बेसन अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटरमेलन प्यूरी। अब करेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स। इसे पानी सूखने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसका पानी सूख गया है और अब ऐड करेंगे इसमें शुगर। मैंने इसमें 1/2 कप चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट और तरबूज के साइज के अकॉर्डिंग चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। सारा पानी सूख चुका है और घी भी अलग हो चुका है, इसका मतलब ये हलवा रेडी है। गैस करते हैं बंद और इसे करते हैं सर्व। तो रेडी है गर्मा गर्म तरबूज का हलवा। इसे गार्निश करते हैं ड्राई फ्रूट के साथ।